कोरोना महामारी के बीच झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को लेकर जैक बोर्ड ने मंथन शुरू कर दिया है। जैक होम सेंटर पर परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो छात्र विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बजाय अपने स्वयं के स्कूलों में परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, तो वहीं अगर परीक्षा होम सेंटर पर ली जाए तो स्कूल कॉलेजों को क्या तैयारी करनी होगी, स्कूलों में इसके लिए आवश्यक संसाधन है या नहीं, इसकी समीक्षा कर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि फिलहाल मंथन जारी है, राज्य सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी फैसले की घोषणा नहीं की है। इस संबंध में जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने पिछले दिनों सभी पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें उन्होंने अनुमति प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की स्थायी मान्यता के लिए मांगी गई जांच रिपोर्ट देने को कहा। इससे पहले 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 महामारी के बीच बोर्ड परीक्षा आयोजित करने को लेकर अनिच्छा प्रकट की थी। उनके अनुसार अभी की परिस्थितियों में छात्रों को ऑफलाइन परीक्षा देने देना उचित नहीं होगा। बता दें कि पिछले दिनों जैक ने कक्षा 9 और 11 के छात्रों को कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए परीक्षा लिए बिना ही आगे प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इसमें सत्र 2020-2021 के करीब 8 लाख छात्रों को अगले क्लास में बिना परीक्षा लिए प्रमोट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को लेकर जैक और राज्य सरकार CBSE बोर्ड की परीक्षाओं पर केंद्र के फैसले का इंतजार कर रही थी, जिसके अनुसार निर्णय लेने की बात कही जा रही थी। अब CBSE की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, तो ऐसे में परीक्षा को लेकर झारखंड सरकार क्या निर्णय लेती है, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर।